ये देखेंगे बिल्ला आया है अटैक करने के लिए डॉग्स पे, लेकिन कर तो सकता नहीं है, वैसे ही बैठ गया। हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों जैसा कि लाहौर में आपको बताया कल बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंड हो गया काफ़ी, सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। वैसे मुझे तो इतनी सर्दी नहीं लगी, मैंने हाफ नहीं पहनी है। ये डक्स हमारी बहुत खुश हैं, बारिश हुई थी ना, डक्स फेरी हैं फुल उसमें धूप में, धूप में एक तो फेरी है, ग्राउंड में थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो गया था, पानी में लोग सही फेर रही हैं, ये देखें सही इंजॉय कर रही हैं डक्स। तो अभी इनको मैं ग्राउंड के अंदर से बाहर निकाल के लेके आया हूँ, फुल ग्राउंड के अंदर ही थी हैं दोनों, ये फीमेल और ब्लैक वाली, और ये अंडे भी नहीं दे रही, पता नहीं क्यों, आज जाना है मैंने उनके पास, इनसे डक्स लेके आया था ना, उन्होंने कहा था अंडे दे देंगे, लेकिन ये अंडे नहीं दे रही पता नहीं क्यों, तो आज जाएंगे उनके पास। ये देखें डर रही हैं, डरती बहुत हैं, लेकिन सही इन्होंने तो फुल मतलब इन्जॉय किया इनका। इनका हमने ये टब भी बाहर रख दिया था नहाने के लिए ना भर के, ये देखें अभी मैंने इसको खाली किया क्योंकि इसके अंदर मच्छर आ रहे थे, ये देखें अभी मैंने इसे खाली किया है, सारा पानी यहाँ पे हो गया। तो बाकी जानवरों को भी दिखाते हैं, उनको दाना पानी वगैरह डाल देते हैं। ये देखें ये जो हमने धनिया उगाया था, धनिया ये धनिया भी उग गया है, देखें धनिया भी उग गया हमारा। ये देखें ये असील मुर्गा मुर्गी उनके साथ है। उसके अलावा हमने वो जो पार्टीशन की थी ना बीच में इन दोनों को हटाने के लिए, कि मुर्गियाँ मुर्गा मुर्गा मुर्गी मारते थे खरगोशों को, तो वो पार्टीशन भी निकाल दिया अब हमने बीच में से। ये खरगोशों को डालते हैं, इनके मूली के पत्ते लेके आए हैं, ये देखें कितने ज़्यादा ये इनको डालते हैं, डालो अब्दुल्ला दो निकाल, दो तीन पत्ते निकाल के डालें, सारे नहीं डालें, दो तीन पत्ते डाल लें, सारे डाल रहे अब्दुल्ला, दो तीन पत्ते डाल दें, शायद मुर्गियाँ भी खा लें, मुर्गियाँ ऐसे काट के खाती हैं, इनको काट के डाल दो आगे करके, डाल दो आगे करके, हाँ डाल दो और डाल दो, खाना शुरू हो गया, एक नीचे भी गिर गया, ये भी डाल दो, मुर्गियाँ भी नीचे वाली मुर्गों को भी डालते हैं शायद खा लें, उसको बंद करो जरा, उसको बंद कर दो, फिर बाहर निकाल जाना था इन्हें, इसको इनको भी डालो। ये स्माइल भी है हमारे साथ, कैसे स्माइल, ठीक हो, वो अंडा भी दिया हुआ है पीछे एक, वो देखें वो अंडा भी दिया हुआ है, अंडा भी नहीं निकालेंगे, सुबह चार अंडे निकालिए थे, पांचवा अंडे, ये जो अंडा निकाल ना इनसे अगर जल्दी अंडा ले लो तो शोर बहुत ज़्यादा करती है। उसके अलावा ये हमारे चुन्नू मुन्नू भी आ गए हैं दो, ये देखें ये दो छोटे चूजे लेके आए हैं हम लोग देसी, ये देखें इनको भी फीड डाल देते हैं, इनके बाजरा डाल देते हैं, एक जो मर गया था, तीन लेके आए थे, एक मर गया और ये दो बचे हैं, क्योंकि पता है ना आपको मौसम नहीं है अभी, सर्दी आ गई है तो गर्म सर्द हो गया। उसके अलावा ये देखें ज़रा ये जो ये बटेर का आप ऊपर से सर नज़र आ रहा होगा, इनको ना छोड़ दिया था अब्दुल्ला ने ऊपर सील मुर्गियों के साथ, तो सील मुर्गे ने या मुर्गी ने पता नहीं, हमें नहीं पता किसने मारा है, इसको जख्मी कर दिया अच्छा भला, तो मैंने पैडिंग वगैरह लगा दी थी ना, लेकिन जख्मी हो गया बेचारा, पहले भी हल्का सा था, तो इनको भी दाना वगैरह डाल दो, भूख लगी हुई है ना इनके, जितना मैंने पैरों में रुई डाल दी थी, इसके अलावा धूप भी काफ़ी लगवाई है मैंने, सही से रखो गिरा देते हैं, गिराते भी बड़ा गाते हैं ये लोग, चूजे तो नहीं गिराते बिल्कुल भी, चूज़ों का शोर बड़ा है इतना, तो बटेरों का शोर नहीं है जितना चूज़े करते रहते हैं, चू चू चुन्नू मुन्नू आ गए ना हमारे, गए ये भी हल्के हल्के बीमार लग रहे थे, इन्हें पायोडीन और ब्रूफेन वगैरह पानी में मिक्स करके दे देते थे, अभी तो पानी हटाया था, पानी गिरा देते हैं, उसके अलावा मुर्गियों ने भी खाने शुरू कर दिए पत्ते, मुर्गियाँ भी खा रही होते, धूप निकली हुई है, मैंने इनको निकाला नहीं था अच्छी तरह, इनको धूप लग जाए, सुबह बारिश हुई थी ना बारिश, तो ये गीले हो गए थे, ये देखें पानी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ना, इस सारे सुबह मैंने सुबह उठ के देखा गीले हुए पड़े थे, मैं रात ना सीट डालना भूल गया, मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है रात को, मैंने देखा ही था, तो बारिश हुई थी गीले हो गए सारे, ये सील मुर्गी बैठ के बीमार लग रही है, मुझे उसको उठा के देखते हैं, नहीं सही क्या ऐसे ही खाई, खरगोशों में देखे हैं उनको पकड़ा नहीं है मैंने कल से, एक बार भी बाहर निकाल दिए इन्हें, चल पकड़ो, ओ नीचे पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, डर नहीं लगता है स्माइल को बिल्कुल भी, कैसे हैं अच्छे हैं, गंदे हुए महंगे, इनको भी मैंने सुना है कि नहीं खाते तो नहीं, ओहो क्या मुझे लग रहा है ना कोई बीमारी हो गया, वो दानों वाली बीमारी होती है ना इनको, कानों पे इनके सारे दाने निकल आते हैं, मुझे लग रहा है इनको हो रही है शायद, ये देखें इनके ना दाने निकल रहे हैं इधर हल्के हल्के, तो ये ना दाने काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं, तो इनका डॉक्टर हैं क्या आने वाले उनसे पता करते हैं क्या है ये बीमारी है या वैसे ही है दाने, इसके भी देख लेते हैं, इसको पहले छोड़ दो छोड़ दो, भाग रहे स्माइल से भाग गया, मैं पकड़ लेता हूँ, ये सील मुर्गे को देखें, ये देखें शुक्र है इसको तो पता चल गया, इसको रात साफ समझ आ गया, खुद ब खुद आते हैं अब यहाँ से अंदर घुस जाए, लोग पहले तो तंग भी बड़ा करता था, अब शुक्र है आराम से अंदर घुस जाते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके तो नहीं आए कोई दाने वगैरह निकले हुए ना, इसको इसको भी देख लेते हैं,
नहीं इसके नहीं है, इसके बिल्कुल भी नहीं है, वाइट वाले के ही हैं दाने थोड़े, बस मैं इसके ही पकड़ लेती। ये तो पीछे ही भाग, क्या डरता ही पड़ा है। ये जो वाइट वाली मुर्गी है ना, वाइट वाली मुर्गी, ये जब भी अंडा देती है ना बहुत ज़्यादा वक्त डालती है। इसके नीचे अगर आधे घंटे पहले अंडा उठा लो ना, ये बहुत शोर डालती है, बहुत ज़्यादा शोर डालती है। बस ये मुर्गी भी इंशाल्लाह एक दो दिन में अंडे देना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। तो बाकी अंडे हमने जमा किए हुए थे देसी मुर्गियों के ना काफ़ी ज़्यादा, तो उनको इंशाल्लाह आज उनको भी रखेंगे इंक्यूबेटर में, उनको रखते हैं अभी, तो आपको वो भी दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं कितने फर्टाइल हैं और कितने अनफर्टाइल हैं, फिर उनको रखते हैं और देखते हैं फिर कितने चूजे निकलते हैं उनमें से। शायद 12 या 14 अंडे हैं घर वालों ने जमा किए हुए, मुझे तो पता नहीं था। ये मतलब ये देखें, इन्होंने 2 अंडे दे दिए, अभी मैंने बाहर डाले अंडे पिंजरे में, इतना शोर कर रहे हैं, इनको तो बाहर निकाल देते हैं। अब्दुल्ला से कहते हैं इन्हें बाहर ले जाएँ, ये लोग तो शोर ही बड़ा कर रहे हैं, इन्हें कभी आवाज़ भी नहीं आई मेरे से। मैं सामने से हटो, बोला बाहर ले जाने, बाहर ले जाओ, चले 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 चले, हम अंडे निकाल लेते हैं, अंडे 2 और अंडे देते हैं, अभी एक पड़ा हुआ था ना, 2 और देते हैं। तो ये ना एक और तरीका होता है, एक तो तरीका होता है ना कि लाइट मार के चेक कर लें अंडों को, ये फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि जो अंडे होते हैं ना सही अंडे होते हैं, जो खाने के लायक होते हैं, जिनमें चूजा बनना होता है, वो अंडे ना पानी के ऊपर रह जाते हैं। जो अंडे ख़राब होते हैं वो जो अंडे ख़राब होते हैं ना वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, और जो सही होते हैं पानी में बैठ जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे अंडे सारे, इनको चेक कर लेते हैं हम लोग ऐसे करें, ये तो नीचे चला गया, सही है, ये भी दोनों नीचे बैठ गए, ये भी नीचे बैठ गए, अभी तक तो 5 ही 5 अंडे नीचे ही जाके नीचे ही हुए, ये भी डाल देते हैं, ये भी नीचे ही चले गए, ये भी सही डाल लो, ये देखिए सारे अंडे सही हैं, ये भी नीचे चला गया, ये नहीं चला गए, अभी तक तो माशाल्लाह कोई भी अंडा नीचे नहीं आया। अब ये कितने रह गए, नीचे 2 अंडे रह गए, आखिर इन्हें चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे अंडे हमारे पानी के नीचे बैठ गए, जाके सही अंडे हैं माशाल्लाह सारे। अब ये तो वैसे ही एक होता है चेक करने के लिए, बाकी तो 3 या 5 दिन के बाद जब इंक्यूबेटर में रखते हैं ना, तो उसके बाद ही सही प्रॉपर पता चलता है। तो ये कितने अंडे हैं काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटली 16 अंडे हैं, 16 तो इनको भी रखते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। ये देखें इंक्यूबेटर हमने रख लिया है, ये अंडे पड़े हुए हैं, इंक्यूबेटर खोलते हैं, इसका पहले टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, इसका 38 हो गया, देख इसका टेम्परेचर, ये है लिखा हुआ ना चिकन का टेम्परेचर लिखा हुआ है 38 टेम्परेचर और 21 डेज। तो खोलते हैं और पहले ट्रे के अंदर पानी डाल लेते हैं, इसकी ट्रे के अंदर ये बोतल पड़ी है, डक्स भी आ गए, पानी डाल लेते हैं, पानी आपने ज़्यादा डालना है शुरू के दिनों में, आखिरी तीन दिनों में आपने कम पानी डालना है ह्यूमिडिटी का, क्योंकि कम होनी चाहिए। ये इसका टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, ये टेम्परेचर बताता है, इसे भी खोल लेते हैं। ये देखिए हमने खोल लिया, गैस के अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है और वो पीछे बल्ब लगा हुआ है, तो ये हम लोग इसके अंदर अंडे भी रख देते हैं, इसको अंडों को दिन में ना आपने 2 दफ़ा रोटेट करना होता है तकरीबन, अंडों को जैसे मर्जी आप रखते हैं, उसका मसला नहीं है। ये देखें अंडे रख देते हैं सारे, एक बॉयल में, ये तो उठाओ, ये देखें ये सारे अंडे हमने रख दिए हैं इसके अंदर, ये टेम्परेचर यहाँ से एक बार सेट हो जाए ना, बस ये अब हो गया है, ये इसको बंद कर देते हैं बस, इंशाल्लाह 21 डेज बाद चूजे निकल आएंगे इसके अंदर से, तो वो आपको वो भी दिखाएंगे आपको, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद तो आपको दिखाएंगे ना पहले के अंडे फर्टाइल हैं कि नहीं, वो दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।